हेलो फ्रेंड्स, ये ओज आयुष चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है DMIT टेस्ट के बारे में, जो आज बहुत ही चर्चा में है और ये बहुत ही जाना पहचाना और फेमस टेस्ट है, जो फिंगरप्रिंट्स के का होता है, बच्चों का फिंगरप्रिंट्स का, जिससे ब्रेन के मैपिंग के बारे में पता चलता है। ब्रेन्स का कौन सा हिस्सा कितना डेवलप्ड हुआ है, ये निकल कर उस टेस्ट में आ जाता है। हार्वर्ड गार्डनर एक साइंटिस्ट जो ऑक्सफोर्ड के साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है और इस सिद्धांत के आधार पर ही लोग सब्जेक्ट का चयन करते हैं विदेशों में। आज के डेट में देखा जाए तो इंडिया के अंदर इसके टोटल 10 या 12 सेंटर्स हैं जो इस सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, DMIT टेस्ट एंड मीड ब्रेन एक्टिवेशन का। मीड ब्रेन एक्टिवेशन एंड DMIT टेस्ट दोनों अलग अलग हैं। टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि आपके बच्चे के अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, मतलब आपके बच्चे के अंदर कौन सा ब्रेन का पार्ट डेवलप हुआ है, कौन सा कम डेवलप हुआ है। ये न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के आधार पर ये तय किया जाता है, जो इस टेस्ट के अंदर निकल कर आता है पूरी तरीके से। इसमें ब्रेन के सारे पार्ट्स, सारे लोब्स के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपका निकल के आएगा। इसके आधार पर ही आजकल बच्चे के लिए करियर का सिलेक्शन किया जा रहा है। और इसी में मीड ब्रेन एक्टिवेशन एक टेक्निक है, जिसके जरिए जो पार्ट आपके बच्चे का वीक है, या जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, और जो वीक है उसको, यदि कोई मेन पार्ट वीक है तो उसको स्ट्रेंथन किस तरह से किया जाए, उसके लिए क्या करना होगा, कौन सा एक्सरसाइजेज हैं, सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ योगा हैं उसमें, उसके अंदर वो सारे इंक्लूड करके एक पैकेज है, उसके ज़रिए मीड ब्रेन एक्टिवेशन करवाया जाता है, जिससे बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू जो टेस्ट में निकल कर आया है, उसके अनुसार उसका लर्निंग पैटर्न को चेंज कर दिया जाता है। उसके साथ साथ बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिससे बच्चे का ब्रेन का पार्ट्स पूरी तरीके से फास्ट ग्रो कर सके और बच्चे अपने फील्ड में एक्सेल कर सके। इस टेस्ट के जरिए बच्चे का जो इनबोर्न पोटेंशियल है, जो इनबोर्न टैलेंट है, उस टेस्ट में निकल कर आता है, और जिस टाइप का जो टैलेंट है उसी टाइप का करियर हम लोग सजेस्ट करते हैं, ताकि बच्चे अपने फील्ड में ना कभी निराश हो, ना कभी हताश हो, हमेशा आगे बढ़ते ही चले जाए। तो आइए देखते हैं DMIT टेस्ट में क्या क्या बेसिकली निकल कर आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं DMIT टेस्ट का। DMIT टेस्ट, इसका मतलब क्या है DMIT टेस्ट? तो एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी होगा, अवश्य ही होगा। इसका मतलब है D4 Dermatoglyphic M4 मल्टीपल I4 इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एंड T4 टेस्ट, यानी कि डर्मोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इससे डर्मा इट मीन्स स्किन से रिलेटेड है, एंड ग्लाइफिक टू स्टडी, यानी जिसमें स्किन का स्टडी किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसको डर्मा ग्लाइफिक कहते हैं। इससे फिंगरप्रिंट्स के पांचों जो फिंगर हैं उसके फिंगर टेस्ट स्कैन किया जाता है, एक सेंटर से साइड वाइज
टोटल मिलाकर 30 फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और वो फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस के लिए सिंगापुर भेजा जाता है, जहाँ पे जो एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं इसके, वो प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं बच्चे के लिए क्या करियर होना चाहिए इस बच्चे के लिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, लर्निंग का पैटर्न क्या है बच्चे का, विजुअल है, कैनेस्थेटिक है या ऑडिटरी है। विजुअल का मतलब देखकर बच्चा ज़्यादा सीख रहा है, कैनेस्थेटिक का मतलब लिख लिख कर याद करता है तो जल्दी याद हो जाता है, या ऑडिटरी है किसी चीज़ को सुनता है तो जल्दी बच्चा गेन कर लेता है। ये चीज़ उसमें निकल कर आता है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो प्लान है वो डिज़ाइन किया जाता है बच्चे के लिए। तो एक जो टेस्ट है वो बाहर यदि आप करवाएंगे तो लगभग 7000 में होता है, सिर्फ टेस्ट टेस्ट का 7000, लेकिन मैं आपको 3000 में ये चीज़ करवाता हूँ। प्लस में मीट ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स होता है, मीट ब्रेन एक्टिवेशन में इसमें जो निकल कर आए हैं नेगेटिविटी आपके बच्चे में, आपका बच्चा मोबाइल बहुत ज़्यादा देखता है, आपका बात नहीं मानता है, वो सारे चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चा फोकस नहीं कर पाता है किसी चीज़ पे, पढ़ नहीं पाता है, जो पढ़ता है तुरंत भूल जाता है, अधिक दिनों तक याद नहीं रख पाता है मस्तिष्क में, एग्ज़ाम के पहले बहुत डरता है या एग्ज़ाम के पहले बीमार पड़ जाता है, ये सारी समस्याओं का समाधान मीट ब्रेन एक्टिवेशन से होता है। और ये मीट ब्रेन एक्टिवेशन का जो कोर्स का फीस है टोटल इसमें 12 क्लासेस होता है, जो कि 3-3 आवर्स का होगा। इसका फीस 6000 है, तो दोनों मिलाकर 6-3 9000 हो रहा है, लेकिन मैं इसको और डिस्काउंटेड रेट में 8000 में करवा देता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि ये इसकी देश को इस चीज़ की बहुत ही सख्त ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि आज बच्चे क्या है किसी भी एक फील्ड में चले जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से जुड़ा मिलेगा, कोई डॉक्टर पढ़ रहे मेडिकल में जा रहे हैं तो सारा फैमिली मेडिकल में जा रहा है, जबकि उसमें से एक या दो जो उसके फैमिली में हो सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाते हैं, बाकी अनसक्सेसफुल। बिकॉज ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हो, हर आदमी का अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग उसके अंदर स्किल्स होते हैं, इनबॉर्न टैलेंट होता है, यदि उस इनबॉर्न टैलेंट को आप पहचानेंगे उसके अनुसार यदि उस बच्चे को डेवलप करेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चा अपने फील्ड में सबसे आगे निकल जाएगा, उसका फिर कोई टक्कर देने वाला नहीं होगा। इसीलिए बच्चे का जो इनबॉर्न टैलेंट है उसके अनुसार उसको करियर का गाइडेंस मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसका पढ़ाई करवाया जाना चाहिए, ना कि जिधर सारे लोग जा रहे हैं उसी फील्ड में बच्चे को डाल देना चाहिए। यदि बच्चे के मर्जी के अगेंस्ट में आप किसी फील्ड में बच्चे को डाल देते हैं तो उस फील्ड में वो अच्छा नहीं कर पाएगा, कर तो लेगा, मेहनत के बल पे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा जो मुकाम वो अपने फील्ड में आने के जो उसका इनबोर्न टैलेंट है उस फील्ड में यदि वो जाता तो जितना प्राप्त कर पाता। इसीलिए इस टेस्ट को करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के डेट में, यदि किसी हर व्यक्ति को ये करवाना चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि 80-85% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो 30-35 साल हो जाने के बाद पता चलता है कि मैंने गलत करियर चूज कर लिया था या गलत फील्ड चुन लिया था, जिसके कारण आज मुझे काम करने में मन नहीं लग रहा है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं, प्रमोशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि काम करने में उतना मन ही नहीं लग रहा, इंटरेस्ट नहीं है, इसके कारण वो फेल हो रहे हैं। और आजकल कंपटीशन का दौर है, यदि आप किसी फील्ड में बहुत अच्छे नहीं हैं तो कंपटीशन तो किसी के साथ कर ही नहीं पाएंगे, कंपटीशन निकालना आपके बस का नहीं है यदि आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा नहीं है। तो इसीलिए
यदि आपको पहले से पता चल जाए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, उस फील्ड में यदि करेंगे तो कंपटीशन आप ऑटोमेटिकली निकाल ही लेंगे। एक हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट में 8 तरह के इंटेलिजेंसेस के बारे में बात की है। लोगों का मानना है कि सिर्फ आईक्यू लेवल सही होने से बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत टैलेंटेड माना जाता है। ऐसा माना जाता है बहुत सारा, ये लोगों का मानना है, बट हॉवर्ड गार्डनर का मानना ये नहीं है। मनुष्य के अंदर 8 तरह के इंटेलिजेंसेस पाए जाते हैं जो कि अलग अलग परसेंटेज में हर व्यक्ति में मौजूद होता है। कोई किसी में कम तो कोई किसी में ज़्यादा होता है। तो उस इंटेलिजेंसेस को यदि आप फाइंड आउट कर लें तो एक सही करियर का गाइडेंस आप दे सकते हैं बच्चों को। तो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो 8 इंटेलिजेंसेस क्या क्या हैं? पहला जो इंटेलिजेंस है आपका, पहला इंटेलिजेंस जो है सो हम ले लेते हैं लिंग्विस्टिक। पहला इंटेलिजेंस हम लेते हैं लिंग्विस्टिक। जिस व्यक्ति का लिंग्विस्टिक का पार्ट बहुत बेहतर होगा वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी पकड़ लेगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में दक्षता प्राप्त कर लेगा, कोई भी लैंग्वेज तुरंत पकड़ लेगा, म्यूजिक को तुरंत सीख लेगा, म्यूजिक जो कहना चाह रहा है उसके भावनाओं को तुरंत पकड़ लेगा। लिंग्विस्टिक टाइप के जो बच्चे होते हैं वो या तो साउंड कंपोजर जो होते हैं, म्यूजिक कंपोजर जिसको कहते हैं, म्यूजिक कंपोजर या तो साउंड इंजीनियर या सिंगर, और इससे रिलेटेड म्यूजिक एडिटर, ये सारे प्रोफेशंस उसके लिए बने हुए हैं। जिसका लिंग्विस्टिक पार्ट अच्छा है उस व्यक्ति के लिए ये सारे प्रोफेशंस में यदि जाएगा तो वो पूरी तरीके से उस फील्ड में अपने इंटरेस्ट को बनाते हुए एक अच्छे मुकाम पे, बहुत ही बेहतरीन मुकाम पे पहुँचेगा, क्योंकि ये चीज़ उसके अंदर इनबॉर्न है, इनबॉर्न टैलेंट के रूप में है लिंग्विस्टिक। दूसरा देखते हैं लॉजिकल एंड लॉजिकल और एनालिटिकल। बेसिकली इसी को लोग आईक्यू भी कहते हैं, पर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले लॉजिकल और एनालिटिकल। इस फील्ड में जो लॉजिकल पार्ट जिस व्यक्ति का ठीक होगा उसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगा। ही विल बी वेरी स्मार्ट इन कैलकुलेटिंग द थिंग्स। He can calculate a complex equations very fast. If anyone having the ability of logical and analytical, he can analyze the issues, problems very fast and solve the problems quickly. So the person who is having the capability or this ability, logical and analytical mind, good, he can be a great engineer, great doctor, as you know very well nowadays engineers are too many in around the world, but all are worthless. Approximately 5% engineers are great
So that's the reason. The part of logical and analytical is not good in that. That's why they are facing the challenges and not scaling the wall in the field. Now we will come to the next. Very good, son. Very good. Now, third we are talking about interpersonal ability. Interpersonal ability. The person having the interpersonal ability or this part strong, he can able to communicate very effectively in the public places. He can convince the people very smartly. The person having this kind of capability via good seller, he can sell the things very easily. He can make the things other to understand. He can be a great teacher also. The teacher's job is to communicate to the students. The person having this capability will come to know easily the students is getting my points or not. They are having capability of sensing the things. So this is the very good factor to be a manager, to be a good educator. Now we are going to fourth, that is intrapersonal ability. Intrapersonal abilities. These abilities is mostly found in writer, saint, Sant and Mahatmas, writer, philosopher, this kind of ability is available in their brain so that he can think too much about himself only. About himself, they are not much talkative, they are like laconic person. They are also in creative in nature. They can create the thing which never been created. That kind of capability he is having. So this is very good ability. Now we will going to move on the fifth. That is gross motor skill. Fifth is a special capabilities. The person having this capabilities are able to solve some very complicated issues.
complicated issues. Also, the person having this special capabilities have a fine sense. Also, this person has 3D recognition. The person having this capability can be a very good, architect. Architect can design very good. By seeing a plot only, he can imagine a 3D picture in his mind and can tell at that time only where should be the room, dining room, all the things can be elaborated at the same time. That much of capability he will be having if have a special capability in his brain. Now moving to the next. Fine motor and gross motor skill. If this is very nice, then the person eye and physical body movement will be very accurate. Person having this capability be a great cricketer, because the physical movement and eyes to the ball which is coming, and the physical movement of the bat should be appropriate, that fall into the center and go to the six. That Sachin Tendulkar having a great this capability. Abhinav Bindra have great capability. So the athletes are having this fine motor and gross motor skills better. In recent years, China has implemented this method, and the person having this both the skills very good, they pick up and train them for Olympics. That's the reason why the China are getting most of the gold medals in the Olympics. You can also see this is the funda why they are getting lot of gold medals, because they are not investing money on the person who are not capable. They are spending on the money who are actually capable of doing that. As per this test. Now next I will discuss later. Thank you for watching.